तो भाइयों और भाइयों के भाइयों, क्या चल रहा है? कंघी वाले बाल बेचो 2,000 रुपए किलो, 50 ग्राम बाल का 100 रुपए, टूटा फूटा मोबाइल बेचो 10 रुपए का एक। स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो ज़्यादा बकौती ना करते हुए करते हैं खेला शुरू। आज का टॉपिक है हमारा वीडियो गेम के ऊपर। जी हाँ, वीडियो गेम। इस नाम को तो आप भली भांति जानते हो, और यहाँ पे कई लोगों का आँख तब खुलता है जब उनके मोबाइल में पबजी ओपन हो। मजाक कर रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर एक नवी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। क्योंकि गेम खेलने से हमारे दिमाग पे अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप ध्यान से टकटकी लगा के गेम खेलते हैं, बिल्कुल ध्यान से खेलते हैं, तो आपका दिमाग का एक्सरसाइज भी हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है, बार बार एक ही एक्शन कर रहे हैं, यानी कि बार बार एक ही मूवमेंट कर रहे हैं गेम के अंदर, तो इससे आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं में याद रखने की क्षमता बढ़ती है और आप कोई बात जल्दी भूलते नहीं। जैसे कि कोई सुना हुआ बात या फिर कोई पढ़ा हुआ बात या फिर कुछ देखा हुआ, तो कोई भी चीज़ आप जल्दी भूलते नहीं है, यानी कि आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है इससे। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, इससे एक मनुष्य को, अदरवाइज सारे मनुष्य को फ़ायदा होता है। लेकिन आप थोड़ा अपना मोबाइल अपने आंखों से दूरी बना के खेलें, क्योंकि आपका दिमाग और आंख, इन दोनों अंगों का इस्तेमाल होता है जब आप गेम खेलते हैं। तब अगर आप गेम लगातार खेलते हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रंटल लोब हिस्से का प्रयोग होता है, जो कि आपके दिमागी हिस्से में होता है, और इसका प्रयोग करके आप एक अच्छे प्लेयर भी बन सकते हैं। और जब आप प्लेइंग रहते हैं तब आपके दिमाग में एक डोपामाइन नाम का भी रसायन पैदा होता है, और इस समय आपके आंखों का रेटिना भी प्रभावित में रहता है। मोबाइल और टीवी जितनी ही आंखों से दूर रहेगी उतनी ही ठीक रहेगी, उतनी ही सुरक्षित रहेगी, और आगे चल के भी वो सही काम करती है। तो बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, आप लगातार ना खेलें, बीच में आपको एक छोटा ब्रेक जरूर लेना चाहिए ताकि आपके आंखों और दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओवर प्रेशर के महसूस होने पे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर का काम भी नहीं करते और अपने बड़ों का कहना भी नहीं मानते, क्योंकि उनका दिमाग खाली एक ही तरफ भागता है, जो भागता है गेम की तरफ, अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। और कई लोग तो चिड़चिड़ेपन से हो जाते हैं, गेम से बाहर निकल के भी अपने नेचर, अपने असली लाइफ में भी चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। एक तो आप अगर हिंसक वाला गेम खेलते हैं, मारपीट वाला ज़्यादा खेलते हैं गेम, तो इससे आपका दिमाग पे बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, आप हिंसक हो सकते हैं। हालांकि ये कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर आप हिंसक गेम का इस्तेमाल कम से कम करें। और कई बारी तो ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि बार बार लगातार गेम ही खेलते रहना, इससे आपका दिमाग पे बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं बार बार गेम खेलने से, यानी कि बार बार गेम खेलो उसी में लगे रहो, तो इससे आपको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी बीमारियां लग सकती हैं। इससे गेम की वजह से कई बार बच्चे खुद को ओवर बर्डन या ओवर प्रेशर में महसूस करते हैं, जैसे कि गुस्सा हो जाना, या फिर किसी से लड़ाई कर लेना, या फिर किसी की बात नहीं मानना, कई ऐसे जैसे कि नींद में कमी आने से एजुकेशन में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपका। अगर आप स्कूल स्टडी लाइफ कर रहे हैं या फिर कॉलेज लाइफ हैं तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। अगर गेम खेलने के दौरान आपकी आंखें लाल होती हैं या सर दर्द करता है या आंखों में दर्द होता है, तो आपको कुछ मिनटों का ब्रेक ले लेना चाहिए और हो सके तो बाहर की हवा खानी चाहिए ताकि आपको शुद्ध हवा लग सके और आप रिफ्रेश भी हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए और लाइफ में काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।